नाम अमित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फ्यूचर मैराथन। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में इस बार पढ़ाने वाला हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हम एल्केन एल्काइन के बारे में बहुत अच्छे से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आज मैं इसको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिर्फ एक ही वीडियो में, तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आप देखिए हमारे हाइड्रोकार्बन का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए, हम हाइड्रोकार्बन के टू टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देख सकते हैं, तो अब आप बोलेंगे ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनमें सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। और जो अनसैचुरेटेड होंगे उनमें क्या होगा, डबल बॉन्ड, इतना ही नहीं एक और है इसमें, और ट्रिपल बॉन्ड, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो अब आप कैसे पहचानेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स टू टाइप्स का होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। और हम सैचुरेटेड को कैसे पहचानेंगे, उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड को जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। तो शुरू करते हैं। तो लेकिन अब हमारी बात ये आती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे करेंगे हम। तो हम अब पढ़ेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि अब हमें कैसे पता, जैसे किसी में एक है तो उसको क्या बोलेंगे, दो है तो क्या बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर राइट डाउन भी करूंगा और आपको स्क्रीनशॉट भी लेने दूंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा भी। तो ऐसे ही हमारे पास 10 होते हैं। तो पहले फर्स्ट मिथ, सेकंड इथ, थर्ड प्रोप, फोर्थ बुट, क्या चीज, बुट, फिफ्थ पेंट, सिक्स हेक्स, सेवंथ हेक्ट, एट्थ ऑक्ट, नाइन्थ नॉन, और टेंथ डेक, क्या होता है, डेक। तो अगर एक होगा, जी हाँ एक होगा तो उसे मिथ, दो होगा तो इथ, थ्री होगा तो प्रोप, और फोर्थ होगा तो बुट, और फिफ्थ होगा तो पेंट, सिक्स होगा तो हेक्स, और सेवन्थ होगा तो हेप्ट, ऑक्ट होगा, एट होगा तो ऑक, नाइन होगा तो नॉन, टेंथ होगा तो डेक। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको वो बात बताता हूं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जैसे तो जैसे मैंने आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बताया था, जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, आपको जैसा कि बताया था मैंने अभी, सिंगल बॉन्ड होता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड का नाम क्या है, एल केन, जिसमें ए एन ई लग जाएगा,
उसकी पहचान है कि उसमें सिंगल बॉन्ड ही होगा, और साथ ही साथ मैंने अनसैचुरेटेड भी बताया था। अनसैचुरेटेड में मैंने आपको क्या बताया, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो डबल बॉन्ड वाले को क्या कहेंगे हम, डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्कीन, उसमें ईएनई लगा होगा, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड, इसका एक ये पार्ट हो गया, सेकंड ये हो गया, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और इसको हम क्या कहते हैं, एल्काइन। क्या कहते हैं, इसमें वाई एन नहीं लगा, आइन लगा होगा। तो ये इसकी पहचान है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब हम इसको स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे एल्केन का, किसका, एल्केन का। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं एल्केन, एन लगा है, तो क्या पहचानेंगे आप, एल्केन का मतलब ये सैचुरेटेड है और सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो मैंने क्या बताया था, जैसे फर्स्ट को मिथ, तो उसमें एन, तो मिथ एन, मिथ एन, तो उसमें सी एक होगा और एच फोर होंगे, क्या होंगे, सी वन एच फोर, यानी कि सी एच फोर, यहाँ पे हम लिखते भी जाए सी एच फोर। और ऐसे ही हमारा सेकंड जो होगा, हमने बताया था मिथ, फिर इथ, तो इथेन, इथेन एन लगेगा, इस बात का खास ध्यान देना है। इथेन में दो, एक दो सिंगल बॉन्ड है ये, और इसमें अब हाइड्रोजन ऐड करें, देख सकते हैं आप। तो इसका क्या जनरल फॉर्मूला होता है, सी टू एच एट। मैं अब आपको एक बेसिक चीज बताने वाला हूं जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है। जी हाँ, जनरल फॉर्मूला, तो वो होता है, मैं इसको इरेज कर दू, यहां पे लिख देता, चलो सी एन प्लस एच टू एन, यानी कि जैसे टू था तो सी टू प्लस, जैसे यहां सी टू था तो एच टू मल्टीप्लाई टू कितना होगा, फोर प्लस टू, टू टू जा फोर फाइव, टू टू जा फोर फाइव सिक्स, ये हमने गलत लिख दिया, ठीक है। तो सिक्स देख सकते हैं आप, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, यानी कि कार्बन को जितने कार्बन है उतने ही एटम्स हाइड्रोजन के हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसमें अगर हम इसको लिखते तो सी टू एच टू था ये, जब क्योंकि इथेन था तो इसमें मल्टीप्लाई बाय टू और प्लस टू, तो हाइड्रोजन कितना होगा, फोर प्लस टू यानी कि सिक्स, ठीक है। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको सारे करवाऊंगा, मिथ इथ प्रोप सब, हमने मिथ और इथ कर लिया है, मिथ और इथ हमने कर लिया है। तो अब हम प्रोपेन पेन करेंगे, जो कि हमारा थर्ड है, प्रोप यानी कि थ्री, तो थ्री वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, देख सकते हैं। तो अब इसका जनरल फॉर्मूला भी देख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी थ्री, और एच को काम कर लीजिए नहीं, तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था, प्रोप यानी कि तीन, सी थ्री, थ्री टू जा सिक्स और प्लस टू सेवन एट। अब आप काउंट कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हो गए, ये मतलब हमारा सही है, मिथ इथ प्रोप। और फोर्थ क्या था, ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन, तो उसमें वन टू थ्री फोर हाइड्रोजन सब हम लगाएंगे।
ठीक है, तो हमने ब्यूटेन भी बना लिया इसका C3 C4 H 8 9 10, काउंट करिए 4 4 8 1 9 1 10, तो इजी। अब मैं इरेज करता हूं, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें ये आ चुका है, क्या चीज आ चुका है। अब हम पेंटेन करेंगे, पेंटेन यानी कि फिफ्थ, 1 2 3 4 5। अब समय हाइड्रोजन, तो कितना हो गया C5H12, करें काउंट 5, तो ये होगा 5 5 10 11 and 12 हो गए। अब हम 6 करते हैं, 6 क्या था, 6 था हेक्सेन, सही बोला मैंने, जी हाँ हेक्सेन। अब हेक्सेन भी करेंगे, हेक्सेन में 6 यानी कि 6 1 2 6, अब हाइड्रोजन ऐड करेंगे, बस अब इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, C6H14, ठीक है। तो अब हम सेवंथ करेंगे, हेक्सेन के बाद आएगा हेप्टेन, क्या चीज हेप्टेन, देखो फॉर्मूला के हिसाब से हम इसका जनरल फॉर्मूला बिना बनाए भी लिख सकते हैं, देखो लिख के देखते हैं और फिर बना के भी देखेंगे, C7 7 7 14 1 7। अब मैंने क्या होता था हाइड्रोजन इसका डबल प्लस 2 7 7 14 15 16। अब हम बना के देखते हैं क्या ये हमारा फॉर्मूला सही है या गलत, तो अब सब में हाइड्रोजन बताएंगे, ठीक है। तो अब हम काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 13 5 6 7 8 9 11 12 13 16, जी हाँ ये एक्स्ट्रा हमने देख सकते हैं आप, हमने बना के देख लिया। अब हम ऑक्टेन बनाएंगे, क्या बनाएंगे ऑक्टेन, ये एल्केन के ही है, ये बात को हमें याद रखना, तो हम ऑक्टेन बनाएंगे, ऑक्टेन यानी कि 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हाइड्रोजन अटैच करेंगे, ओके हमने लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं हम यहीं पे, C8H18, आप काउंट भी करके चेक कर सकते हैं। और अब हम नाइन्थ करेंगे, नो हमने क्या बताया था, नोन बताया था, अब तो नोनेन, नोनेन, तो अब इसका क्या होगा, मैं देखो बिना हम लिखे पहले हम इसका फॉर्मूला करते हैं, 9 9 9 18 18 19 20, देखेंगे काउंट करके आप देखेंगे, देखिए समय हाइड्रोजन अटैच करते हैं, देख सकते हैं आप, तो
हमने नोनेन भी कर लिया है, अब हम पेंटेन करेंगे। नहीं नहीं, एट क्या था हमारा, टेंथ पेंटेन नहीं, वो तो फाइव हो जाएगा। टेन हमारा क्या था, कोई बता सकता है? जी बिल्कुल, डेक था हमारा, तो डेकेन, डेकेन, डेकेन था वो हमारा। तो इसमें सी टेन होंगे, एच 22 होंगे। तो चेक करते हम, देखेंगे कहीं से भी हाइड्रोजन लगाइए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप काउंट करके भी देख सकते हैं। तो हमने अपना एल्केन कंप्लीट कर लिया है, और अब हम शुरू करेंगे अपना एल्कीन। क्या शुरू करेंगे? एल्कीन। तो शुरू करते हैं हम। तो मैं अब आपको ये बताऊं, इसकी हेडिंग भी चेंज करते हैं हम, एल्कीन। हम अब किस में आ गए हैं? एल्कीन में। एल्कीन पे आ गए हम। जो एल्कीन होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ, जो एल्कीन होगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अब ये डबल बॉन्ड बना रहा है, तो अब हम इथ में कैसे लगाएंगे? नहीं नहीं, मिथ में हम सिंगल बॉन्ड कैसे लगाएंगे? मिथ है तो उसमें सिर्फ एक ही होगा, हम इसमें डबल बॉन्ड कहां से लगाएंगे? तो ये इसका जो मिथ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम इथ से शुरू करते हैं, यानी कि सेकेंड से शुरू करते हैं, जिसे हम इथीन बोलेंगे या इथाइन बोलेंगे। तो शुरू करते हैं हम। तो सेकेंड, तो हम इसको इथ इन इथीन, तो सी पहले सिंगल बॉन्ड के साथ, फिर इसको डबल बॉन्ड। अब दो इसके पास है, मतलब दो और तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड बनाता है, तो 1H और 1H, इधर भी 1H और 1H। तो ये स्ट्रक्चर बन गया है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे ऐसे, C2H4। अब मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला बताने वाला हूँ। जी हाँ, जनरल फॉर्मूला CnH2n, बस, यानी कि जो ये है उसका डबल कर दीजिए बस, C2H4, C3H6, ऐसे करिए। तो अब हम ऐसे ही जल्दी जल्दी आगे करेंगे। इथ का कर लिया हमने, अब हम इथ प्रोप, अब हम प्रोपीन का करेंगे। एक दो तीन, ये आप डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। हम लिख सकते हैं C3H6, इथ प्रोप, मिथ इथ प्रोप और ब्यूटेन। इस बात का ख्याल रखना, अगर आपने एन लगा दिया तो एग्जामिनर बस देखेगा सेकंड बॉन्ड है, पर ये एल्कीन का नहीं हो सकता, सीधा क्रॉस लगा देगा, इस बात का हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आगे। ब्यूटेन, तो हम इसका जनरल फॉर्मूला से लिखते हैं पहले एक बार, C4H8। क्या हो गया? C4H8, 1, 2, 3, 4, डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो अब हाइड्रोजन अटैच करें, देख सकते हैं डन, ब्यूटेन हो गया। अब पेंटीन, पेंटीन, पेंटीन क्या? पेंटीन यानी कि C5H10 बनाते हैं, डबल बॉन्ड, दो और एक तीन, इसका सिर्फ 1, ठीक
बना लिया है। तो सेम पेंटीन के बाद किस पे? हेक्सीन पे जाएंगे। हेक्सीन, हेक्सीन का C6H12 किसका? आपके लिए ये होमवर्क है। अब आप इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे क्योंकि मैंने आपको बनाना सिखा गया है। हेक्सीन के बाद हेप्टीन C7H14, उसके बाद ऑक्टीन C8H16। इतना कर लिया ऑक्टीन के बाद, इरेज करते हैं, आगे लिखेंगे। ऑर्नोनीन, नोनीन, नोनीन लिखेंगे हम C9H10। अगर हमें डाउट हो रहा है, नहीं गलत है, तो इसको बना के देख लीजिए, कोई टाइम थोड़ा ना लगता है। अब हम इसमें बादशाह हो चुके हैं। रुकिए, इसको हमने थोड़ा छोटा छोटा करके बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े बना दिए हमने। देखिए, तो अब इसमें हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। प्रूफ के लिए मैं बता रहा हूं, ये और फ्लो फ्लो में कहीं इन बातों का ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड, क्योंकि एक कार्बन से चार ही बॉन्ड बनाएगा, चार ही कोई एलिमेंट चार ही बॉन्ड बनाता है। देन अब डेकेन का, डेकीन एन हो जाएगा तो वो एल्केन हो जाएगा, तो इसका C10H20 स्ट्रक्चर आपको बनाना आता ही है। तो हम एल्कीन के बाद अब सीधा एल्काइन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी तरफ एल्काइन, एल्काइन, इसका जनरल फॉर्मूला आपको पहले बता दूं मैं, CnH2n-2। सेम उल्टा, यानी कि इसका डबल कीजिए और माइनस टू कर दीजिए, तो क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो इसमें भी मिथ नहीं होगा। इथ से ही शुरू करेंगे हम, इथाइन, इथाइन, इस बात का ध्यान रखना, इथाइन, ठीक है। तो इसको बना के देखते हैं। इथाइन में दो, यानी कि ये एक हाइड्रोजन, तो C2H2 ही है, देख सकते हैं, C2H2। देखिए कैसे, 2 था तो 2 जब 4 हो गया, 4-2 यानी कि 2 हो गया, यानी कि हमारा जनरल फॉर्मूला ठीक है। अब हम इथेन की बात करेंगे, प्रोपीन, प्रोपाइन ही नहीं, तो इसको हम देखो बिना उसके करते हैं, C3H6 बना के ही देखते हैं। इस बात का ध्यान देना है, इसका देखो चार बॉन्ड हो चुके, अभी हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, पर इस बात का खास ध्यान देना, ठीक है। तो प्रोपीन के बाद ऐसे ही पेंटीन पे पहुंचते हम, नहीं प्रोपीन के बाद पहले बुटीन करेंगे, क्या करेंगे, बुटाइन, बुटाइन यानी कि C4H8, 1, 4 हो गए। अब हाइड्रोजन अटैच करेंगे, ठीक है, कंप्लीट। ऐसे ही पेंटीन का पेंटाइन यानी कि C5H10 बनाना आपको आ गया है, आपको ये होमवर्क में, अगर ना बने तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। इसके बाद पेंटीन के बाद एक्सीन यानी कि C6H12, एक्सीन के बाद 13 हेप्टाइन यानी, नहीं इस बात का ख्याल ध्यान देना है, ओके। इसके बाद ऑक्टाइन, ऑक्टाइन यानी कि C8H8, नोनाइन यानी कि C9H9। अब ऐसे ही टेक टाइन C10H। अब कोई कहेगा मुझे इसमें डाउट हो रहा है कि ये सही है कि गलत, तो बना के देख लो। रुको छोटा छोटा बनाते हैं, बहुत बड़ा जाएगा।
देखिए अब इसमें हाइड्रोजन अटैच कर लीजिए, इसमें नहीं अटैच होगा, इसमें एक अटैच। अब देखते रहिए, अब अटैच करते रहिए आप हाइड्रोजन। तो हमने एल्काइन भी कर लिया, यानी कि आज हमने एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यानी कि हमने आज हाइड्रोकार्बन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? हाइड्रोकार्बन हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, और आपको मैंने जनरल फॉर्मूला और क्या होता है सब कुछ बता दिया है। अगर इसी टाइप के आप इजी टिप्स बता रहा हूं मैं, ऐसे इजी ट्रिक्स और टिप्स टॉपिक वाइज वीडियो में लाता रहूंगा, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और ऐसी नॉलेज बढ़ानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल फ्यूचर मैराथन को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि चैनल है आपका। क्योंकि अगर आप इस पर कोई भी कमेंट करेंगे तो आपको दो दिन के अंदर उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स फैमिली मेंबर्स पे भी शेयर कीजिए, और इस पर लाइक कीजिए। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम मिलेंगे अब अपनी अगली वीडियो में।